सब, आई होप आप सब अच्छी होंगे। मैं सरिता उत्तराखंड से, और आप सभी का अपना चैनल सरिता जौनसारी ब्लॉगर में हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज ना बाहर बारिश हो रही है, और ये देखिए सुबह से हो रही है आज हल्की हल्की बारिश। अभी तो थोड़ी तेज होने लग गई है, पर सुबह से हल्की हल्की हो रही थी। और ये देखिए चारों तरफ कोहरा हो रहा है। ज्यादा तेज नहीं हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और अभी 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे मेरे पास एक कटोरा मलाई का रखा हुआ था, तो सबसे पहले मैं इससे मक्खन बना लूँगी और बाद में घी बना लूँगी इससे। और मैं ना इसी तरीके से हाथ से बनाती हूँ, जब भी मैं मक्खन बनाना हो तो मैं हाथ से ही बनाती हूँ इस तरीके से। और इस तरीके से ना 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है टाइम, तो फटाफट बन जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर ये मलाई 10 से 12 दिन की थी, और एक कटोरा फुल भर गया था। जब एक कटोरा फुल भर जाता है तो उसके बाद मैं इससे मक्खन बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है, और इससे मैं अच्छे से धो लूँगी इसको, जो मतलब मक्खन है। और देखिए अच्छे से बन के तैयार भी हो गया अब। और अब मैं इसके बाद इसे कढ़ाई में रख दूँगी, और उसे गैस पर रख दूँगी घी बनने के लिए। और यहाँ पर जो मलाई का पानी बचा हुआ था लास्ट का, इससे मैं पनीर भी बना लूँगी साथ साथ। और अब मैंने गैस भी ऑन कर दिया है, और अब घी भी साथ साथ बन जाएगा और पनीर भी। और यहाँ पे अब घी बनके लगभग तैयार हो गया है, और थोड़ी देर में और पकाऊंगी, और उसके बाद ये अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैं अपाड़ी नमक बनाने के लिए सारे मसाले इकट्ठे कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सेंधा नमक का एक पैकेट ले लिया है, मेरे पास अभी ख़त्म हो गया था, खुला नहीं था, तो मैं यहाँ पे एक पैकेट खोल लूँगी। ये मैंने कटोरी में ले लिया है, और एक फुल भर की कटोरी ले लूँगी मैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे 8 से 10 लौंग ले लिया, और इसमें मैंने साथ साथ काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च दोनों रख रखी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कटोरा हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों ले लिए, क्योंकि ये कुछ पक रखी थी। और एक कटोरी सेंधा नमक, और एक कटोरी काला नमक, और कुछ लहसुन की कलियाँ ले ली आधी कटोरी करीबन, और यहाँ पे आधी कटोरी जीरा ले लिया है। और यहाँ पे जो मैंने 3 चीज़ें साथ मिक्स की थी, लौंग, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ये तीनों ले लिए मैंने यहाँ पे। और मेरे पास अदरक नहीं बचा हुआ था, और अदरक से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता, और अदरक था नहीं। और इसके बाद मैं जीरा, काली मिर्च, लौंग और सफ़ेद मिर्च, इन चारों को अच्छे से भून लूँगी, और तब तक भूनूंगी जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। और अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है, और इसके बाद मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। और अब मैंने सारे मसाले एक प्लेट में ले लिए हैं, और इसके बाद मैं इन सबको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। और अब यहाँ पे पाड़ी नमक बनके तैयार हो गया है, और इसे मैं अब कांच के कंटेनर में रख दूंगी। और हमारे यहाँ से जौनसार में इसे पिरूडो नून भी बोलते हैं, और काफ़ी बनाया जाता है हर घर में इसे ना, तो घर में तो ऐसे सिलबट्टे पे ही पीसते हैं, और सिलबट्टे का स्वाद तो कुछ अलग ही होता है। मैं भी सोच रही थी कि मैं सिलबट्टे पर पीसूँगी, पर लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो टाइम भी ज़्यादा हो गया था, 6:30 बजे का टाइम हो गया था, तो मैंने इसलिए मिक्सी में इसे ग्राइंड कर लिया है। और इसे हम हर चीज़ में मिक्स करते हैं, जैसे दाल हो गई, सब्जी हो गई, सलाद हो गया, या कुछ फल खाने हो नमक के साथ, तो बहुत टेस्टी लगता है इससे ना, इस तरीके से, और बहुत टेस्टी होता है। कुछ मेरे पास और बच गया था, तो मैंने छोटे वाले कंटेनर में रख दिया इसको, और इसे मैं अब फ्रिज में रख दूँगी, और ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पर अब चटनी बना रही हूँ। चटनी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी टमाटर ले लिया है, एक कटोरी प्याज, और एक ढेर सारा पुदीना ले लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ खिसर ली है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में, तो इससे भी काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है, तो मैं इस तरीके से कभी कभी बना लेती हूँ चटनी, तो खिसर बहुत अच्छा होता है, और इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है चटनी में। और देखिए मेरी चटनी बनके तैयार होगी, और यहाँ पर मैंने ये कटोरा भर के रख लिया चटनी का, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जब भी मुझे यूज में लाना हो तो मैं फ्रिज से बाहर निकाल लूँगी, और उसके बाद यूज कर लूँगी।
और चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहाड़ी नमक ले लिया था और कुछ मसाले और भी ले लिए थे और सारा ही मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे अब कढ़ाई में घी अच्छे से ठंडा हो गया था, तो इसके बाद मैंने हस्बैंड को बोल के मैंने कहा आप एक डब्बे में इसको रख दो। और ये देखिए आधे के जी करीबन घी बन गया आज, और इसके बाद मैं इसे ढक्कन लगा के अच्छे से फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर मेरे पास एक पैकेट नमक का रखा हुआ था और ये काला नमक है, और इसको मैं अब एक कांच के कंटेनर में रख दूँगी और अच्छे से टाइट करके ढक्कन लगा दूँगी, और इससे नमक ख़राब भी नहीं होगा और ये लंबे टाइम तक चल जाएगा। और अभी करीबन 7-7:30 बजे का टाइम हो रहा है और अब मैं रात के खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। और आज मैं डिनर में पनीर बना रही हूँ, और यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज काट के रख दिया है और पनीर भी लगभग अब कट गया है। और यहाँ पे हस्बैंड साथ साथ कीबोर्ड भी बजा रहे हैं, और अब इसके बाद मैं पनीर में तुड़का लगा दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।